मैं इस समय नॉर्थ गोवा के एक छोटे से शहर मापसा की मछली मार्केट से गुजर रहा हूँ। यहाँ आया हूँ ये जानने के लिए कि क्या है इनके मुद्दे और क्या है पिछली सरकार का रिपोर्ट कार्ड। मेरा नाम शीतल दामोदर प्रभाकर दास है। तो आप ये मछली का ही काम करती हैं? कब से ये काम कर रही हैं आप? अभी बहुत टाइम हो गया, हमारा यही है, इसको ही हमारा पैसा रहता है। इसके अलावा हमारे हस्बैंड काम पे नहीं है, इसी से चलता है हमारा घर, बच्चा लोग का पेट वगैरह। तो इससे क्या कुछ गुजारने लायक कुछ कमाई हो जाती है आपकी? अभी ये मछली का धंधे में कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी बिकता है नहीं बिकता है, होता है। और मच्छी तो रहता ही नहीं है, कभी कभी सड़ जाता है, आज का कल नहीं दे सकते, अभी लाए तो अभी खत्म करना पड़ता है। जैसे आपको स्टोरेज चाहिए ये भी सब चीज़ें, तो आपको क्या मिलता है? स्टोरेज है तो बंद पड़ा हुआ है, स्टोरेज है बंद पड़ा हुआ। उधर मेरा ये था अपना जनरेटर भी निकाल के देती है, कुछ भी नहीं। यहाँ बैठने का कितना पैसा आप देते हैं? 50 रुपीज़ एक बिल्टी का। एक दिन का एक केस का 50 रुपीज़। और आप ये एक टोकरी जो है ये रख के बैठ सकते हैं? हाँ नहीं, अपना दो लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, उसका 50 रुपया एक दिन का, एक बुट्टी का 50 रुपीज़। एक का और दो लगाया तो 100 रुपया, दो का 100 रुपये। अभी हम लोग गाड़ी में जाते हैं मछली लाने के, दूर जाते हैं तो अप डाउन 100 किलोमीटर होता है हमको, तो 1000 रुपये तो पेट्रोल, तो पहले 500 रुपये लगता था, अभी 1000 रुपये पेट्रोल आ गया। इधर बैठने के लिए जगह वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इधर बहुत बैठो उधर बहुत बैठो, यहाँ मत लगाओ वहाँ मत लगाओ, ऐसे आजू बाजू में बैठने नहीं देते हैं। तो हम लोग का तो प्रॉपर इधर से ही है, यही एरिया से है, तो हमारे लिए कुछ तो सुविधा करनी चाहिए ना। मतलब एक तो ये हो सकता है कि इसका किराया ना लिया जाए और सबके बैठने नहीं, किराया तो अभी हेल्थ चीज के लिए कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अभी चलो 50 रुपये देते हैं बुट्टी का, उसका बात नहीं है, लेकिन अभी देखो इधर बैठते हैं प्रॉपर, तो जगह एक फिक्स देना चाहिए, या फिर एक जगह पे बाबा ये इधर से इधर आपका जगह फिक्स जगह बैठना, जगह फिक्स कर सकते हैं। हाँ कांग्रेस आए बीजेपी आए कुछ भी आए, जो आजकल के सब महंगाई हो रहे हैं, पेट्रोल महंगा है, दाल सब्जियाँ सब वगैरह सब महंगा है ना। अभी इतना सारा सरकार बोलते है कम होएगा कम होएगा, कब होएगा कम? गुजारे लायक कमाई हो सके, आपका बिजनेस जो है ये अच्छे से चल सके, इसके लिए कुछ सरकार ने कोई सुविधाएं कुछ दी, कुछ काम किया पिछले 5 साल में? अभी तो हम लोग उसमें किसी के लिए पूछते भी नहीं, अपना भावना किसी को बोलते नहीं, बस अपने आप से कुछ जो हो पाता है वो हम लोग करते हैं। अभी मच्छी बच गया तो भी नुकसान है, तो फिर हम ही पे करते हैं ना, कोई दूसरा हमारे लिए सफर नहीं करता है, हम लोग ही करना पड़ता है। जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, आपको क्या लगता है उसमें किस तरह का काम हुआ लोगों के लिए? कुछ भी नहीं, सबका लॉस हुआ, कुछ भी नहीं अच्छा हुआ, ये हमको भी कहीं चेंजेस करना चाहिए, इसलिए अभी सब लोगों ने सोचा होगा ये साल पार्टी चेंज करेंगे पूरा, सोच रहे हैं पार्टी चेंज करना, हमको बीजेपी नहीं चाहिए। अभी वो मत डालने को तभी आएगा, बात में नहीं देखेगा अभी वोट डाला ना, उसके बाद वोट चाहिए तो घर में आएगा, बात में नहीं आता, कौन नहीं आता, हमको उधर जाना मिलता बस। तो आपको ये अभी लेकिन बहुत सारे लोग तो पार्टियां बदल गए, बहुत सारे अभी बदले ना बहुत सारे लोगों ने, तो आपको याद रहता है कि कौन सा लीडर कौन सी पार्टी में था, या आप खुद कंफ्यूज हो गए हैं? नहीं नहीं याद है, याद है। अब इसको कैसे मानते हैं कि ठीक करते हैं ऐसा करके? करेंगे अभी, हमारे हाथ में क्या नहीं ना, गरीब को कौन देखता, जो अपना पार्टी है वही पार्टी पकड़े करना चाहिए, अभी उनको भी पार्टी चेंज करना है, इसलिए वो लोग चेंज हो गए। नाराज क्यों है बीजेपी को? नाराज ऐसे कोई नहीं है, लेकिन क्या रूल्स और रेगुलेशन बराबर नहीं है ना, मेन प्रॉब्लम वो है। अभी देखो महंगा इतनी बढ़ गई भाई, 950 कुछ सिलेंडर हो गया, पेट्रोल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितना बढ़ गया, तो ऐसा गवर्नमेंट करेगा? कस्टमर नहीं है मार्केट में, मछली लेने कोई आता नहीं। गरीबों के लिए क्या कोई काम किया गया है पिछले 5 साल में गरीबों के लिए? मुझे तो मालूम नहीं, तो नहीं हम लोग
किराए पे रह रहे बोल रहे हैं। ये हमारा लाइफ में से सबसे वीक पॉइंट वही है, क्योंकि जो अपना कैसा भी हो, छोटा हो या पतरे का हो, मिट्टी का हो, कैसे भी हो, अपना खुद का है। महीने में, हर महीने में हम लोग पेट को कम करके किराया भरते हैं और बच्चों को चाहिए वो चीज एक नहीं मिल पाता है, तो क्या फायदा है। बच्चों के लिए समझाते हैं, चलो बाबा ये महीने में थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट करो, चाहे वो चीज के लिए एफोर्ड नहीं कर पाते है, लेकिन किराया के लिए तो मकान मालिक तो एक दिन के लिए ही नहीं रुकता है। कैसा भी रहने दो, लेकिन रहने का एक ठिकाना अपना खुद का होना चाहिए। बाकी सब कैसे भी करो, मेहनत करो, कमाओ खाओ, दिन का गुजारा कैसे भी हो जाता है, लेकिन अपना खुद का घर तो होना ही चाहिए ना। सरकार किसी की बने, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप उन सरकार से क्या कहेंगे कि उस सरकार को ये काम करना चाहिए जो आपको सबसे जरूरी लगता है? तो पहले बोलूंगी हाउसवाइफ के लिए कुछ तो काम निकलना चाहिए। अच्छा, वो घर में बैठे रहते, इनकम नहीं होगा कुछ, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए हाउसवाइफ के लिए। और बिजनेस में थोड़ा लॉस होता है ना, किसी को वो बिजनेस है, मतलब अभी लॉकडाउन के वजह से सब घर में बैठे, काम नहीं, कुछ नहीं, लॉस में गए सब। क्या हमारे बच्चे लोग अभी घर में है, सीखा है, अभी सीखा नहीं तो काम नहीं मिलता है। अभी सीखे है तो काम नहीं है उसको, घर में बैठी है मेरी बेटी है। आपकी बेटी कितनी बड़ी है? आपकी बेटी 20 साल की है। 20 साल की है, और क्या पढ़ाई की है? बीकॉम किया है उसने। ओके, तो आप कह रही थी रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, लड़कियों के रोजगार पे, लड़कियों को भी उसको काम चाहिए ना, महंगाई कम करनी चाहिए। के लिए कुछ अच्छा सोच के उन लोगों ने कुछ भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आज मैं भी सफर कर रहा है, मैं भी एक आम आदमी हूँ, क्योंकि मेरा तो ये धंधा सोचो दूसरा कुछ नहीं। कोई भी सरकार आने दो, गरीब को थोड़ा, अभी देखो बहुत कुछ ये चल रहा है, कोरोना वरोना चल रहा है ना, कोई भी सरकार ने तो गरीबों को, अभी इतना बहुत महंगा हुआ, देखो कितना महंगा हुआ, इसके लिए लेकिन जो महंगाई घटनी चाहिए वो महंगाई नहीं घट रही है, बल्कि उल्टा महंगाई बढ़ती जा रही है। जो 10 में मिलता था अभी 20 में हो रहा है, लेकिन कुछ कम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी सरकार ने कुछ तो हमारे लिए, गरीबों के लिए हेल्प करना चाहिए ना, क्योंकि हर एक आदमी का डेली का इनकम एक ही रहेगा करके नहीं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छे अच्छे नौकरी वाले अभी कोरोना की स्थिति में घर में बेकार हो गए हैं, उनका काम धाम सब चला गया है, कुछ भी नहीं। बहुत से कुछ चीज हो सकता है, बीजेपी कह रही है कि वो भारी बहुमत से जीते, इतना श्योर नहीं है। अभी बहुत लोग, अभी हमने भी देखा है, कैंपेनिंग हो रहा है सब जगह पे, तो ज्यादा करके बीजेपी का नाम नहीं है। आपको लगता है कि सरकार बदलने से आपकी जिंदगी का भी बदलाव होगा, आपको ऐसा लगता है? अभी हर एक टाइम में हर एक आदमी बोलता है कि ऐसे होएगा होएगा, आगे जाके कुछ नहीं हो पाता है।